यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को मैं मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं इस सत्संग के दौरान बहुत सारे भाई बहनों को ढेर सारी आशीषें मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिलता है। कई लोगों ने हमें इसके बारे में बताया भी है, आपने कई बार साक्ष्य भी सुना है। मातृधाम सत्संग आपके लिए एक उपहार के रूप में हम रख रहे हैं। वैसे मैं आपको हृदय की बात बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल बंद हो गया था, हमने सोचा था कि ये सारे ऑनलाइन कार्यक्रम बंद करेंगे, लेकिन लोगों ने चाहा और लोगों ने अपने आग्रह को व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम को जारी रखें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग सहभागी हो रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस सत्संग को शुरू करते हैं स्तुति और आराधना से। मैंने कई बार आपसे कहा है कि हमें अपने दुखों को स्तुति और आराधना में परिवर्तित करने की जरूरत है। हमें अपने दुखों को स्तुति में बदलने की जरूरत है। धीरे धीरे जीवन में जब दुख आ जाते हैं, उन सारे दुखों को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना, यह एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। अपने जीवन के एक एक दुख को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। बिना उसके जाने कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को देते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, हमारे परिवारों के लिए, हमारे परिवारों के, परिजनों के लिए, परिजनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए, तूने जो वरदान हमें दिया, तूने जो वरदान हमें दिया, उसके लिए, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमारे संसार में, प्रभु यीशु के द्वारा हमारे संसार में उद्धार लाने के लिए, उद्धार लाने के लिए, पाप से मुक्ति लाने के लिए, पाप से मुक्ति लाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए, अनंत जीवन का मार्ग खोलने, रहस्य बताने के लिए, रहस्य बताने के, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। तेरी आशीषों के लिए, तेरी आशीषों, तेरे वरदानों के लिए, तेरे वरदानों के लिए, जीवन के सभी सुख के लिए, जीवन के सभी सुख के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। हर दुख के लिए, हर दुख के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। हमें दुख देने वाले, हमें दुख देने वाले सदस्यों के लिए, सदस्यों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। दिल की चोटों के लिए, दिल की चोटों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद। शारीरिक रोगों के लिए, शारीरिक रोगों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते। मानसिक तनाव के लिए, मानसिक तनाव के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद। परिवार की विभिन्न परेशानियों के लिए, परिवार के विभिन्न परेशानियों के लिए
समस्याओं के लिए, तंगी के लिए, गरीबी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर तरह की विफलता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर तरह की सफलता के लिए, सुख के लिए, तेरे प्रेम के एहसास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, निरंतर उसकी स्तुति। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की स्तुति। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, महिमा 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 प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय हमारे भाई मोक्षा और बहन सुहासिनी के साथ स्तुति का गीत गाएंगे। स्तुति में झूमिए, उनके साथ गाते जाइए, उनके पीछे पीछे गाते जाइए। पूरे हृदय से गाकर प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। यीशु तो कितना प्यारा है, यीशु तो कितना भला है, यीशु तो कितना प्यारा है, यीशु तो कितना भला है, यीशु तो कितना प्यारा है, यीशु तो कितना भला है। ताली बजा गा, यीशु तो कितना प्यारा है, यीशु तो कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं। ये सुन तो गाइए, ये सुन तो कितना प्यारा है, ये सुन तो कितना भला है, ये सुन तो कितना प्यारा है, ये सुन तो कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुबह हो शाम एक ही नाम बजता हूँ मैं ये सुना, सुबह हो शाम एक ही नाम बजता हूँ मैं ये सुना, सुबह हो शाम एक ही नाम बजता हूँ मैं ये सुना, सुबह हो शाम एक ही नाम बजता हूँ मैं ये
सज लो तुम ये सुना चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं ये सुना चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं ये सुना चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं ये सुना नाम मिलती है राहत भज लो तुम ये सुना इस नाम में मिलती राहत भज लो तुम ये सुना इस नाम में मिलती है राहत भज लो तुम ये सुना इस नाम में मिलती राहत भज लो तुम ये सुना इस नाम कितना प्यारा ये सुनो कितना प्यारा है ये सुनो कितना भला गाय समेगा ये सुनो कितना प्यारा है ये सुनो कितना प्यारा है तुझे तो कोई नहीं ये सुनो तुझे तो कोई नहीं कोई नहीं यीशु तुझ जैसा कोई नहीं यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू कितना भला है यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू कितना भला है पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं ये सुना पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं ये सुना पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं ये सुना इस नाम मिलती चंगाइयां भज लो तुम ये सुना इस नाम में मिलती चंगाई भज लो तुम ये सुना इस नाम मिलती चंगाइयां भज लो तुम ये सुना इस नाम में मिलती चंगाइयां भज लो कितना प्यारा है ये सुनो कितना भला है ये सुनो कितना प्यारा है ये सुनो कितना भला है तुझे से कोई नहीं ये शो तुझे से कोई जैसा कोई नहीं तू जैसा कोई नहीं हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सब मिलकर हालेलुया 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 आइए सब करेंगे हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, आइए हम हृदय खोलकर विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सानिध्य में आए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को एकाग्र कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, सारे कामकाज को अलग रखिए। इस समय सत्संग में भाग लेने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं और प्रभु ने आपको बुलाया है इस सत्संग में भाग लेने के लिए, प्रभु के दिव्य वचनों के लिए सुनने के लिए और उनके सानिध्य में बैठने के लिए। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए, अविश्वास को दूर कीजिए, विश्वास को बढ़ाइए। पूरी भक्ति के साथ प्रभु के सानिध्य में आइए। इसायास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हम विनम्र बन जाए, हम प्रभु के सामने छोटे बन जाए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। नन्हे बच्चों की तरह ईश्वर पर आश्रित होकर उनके पास आए। हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सामने आए। हम कहें कि हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, हमारे अंदर कई प्रकार की बुराइयां हैं प्रभु, लेकिन हम तेरे सानिध्य में विश्वास और भरोसे के साथ आए हैं। हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने कानों को खोलिए, प्रभु यीशु ने कहा, जिसके कान हो वे सुन लें। आंतरिक कान खोलें, विश्वास के कान खोलें, मन के कान खोलें, प्रभु के वचन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए इस समय कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन की हर प्रकार के भ्रम को दूर कीजिए, मेरी बुद्धि को तेज कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरे शरीर को इस समय शांति दीजिए, एकाग्र होने की कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए हम लोग ये गीत गाएंगे, हमारे भाई और बहन के साथ, उनके साथ मिलकर हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पवित्र आत्मा ही हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है, पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। आज यीशु के नाम पर, पिता के नाम पर पवित्र आत्मा ही सारे संसार में क्रियाशील है। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दीजिए। आंखें मंद कीजिए, हृदय खोलिए, हमारे भाई और बहन के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए इस गीत को गाते जाएंगे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, प्रगट हो जाए हमारे में, ईश्वर की महिमा
जाए। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं, लोग कहते भी हैं कि इन सारे कार्यक्रमों में से जुड़ने से क्या होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपने प्रभु की खोज में, प्रभु की आराधना में, प्रभु के वचन सुनने के लिए जो समय बिताया है वह व्यर्थ नहीं जाता है। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि प्रभु बहरे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना को जारी रखिए, प्रभु की खोज, ईश्वर के राज की खोज को बनाए रखिए। अभी मुझे याद है हमारे आश्रम में कई साल पहले एक बहन आती थी, आजकल भी आ रही है। उनके पति शराबी थे, ड्राइवर थे, शराबी थे, और वो यहां पर प्रार्थना करने के लिए आती थी या कहने के लिए कि प्रभु मेरे पति के इस बुरे आदत को हटाइए, नशे की आदत से छुटकारा दीजिए, और वो रो रो कर प्रार्थना किया करती थी। पति के नशे की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन कुछ ही साल के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार उसके परिवार में हुआ। उसकी सबसे छोटी बेटी बोलती नहीं थी और वो बोलने लगी। तो आप नहीं जानते कि आपकी प्रार्थना का असर कहां पड़ रहा है, उसका प्रतिफल प्रभु हमें, हमें और आपको कैसे दे रहे हैं। प्रार्थना को जारी रखिए, उसका क्या नतीजा होने वाला, प्रतिफल होने वाला, हम नहीं जानते, वी डोंट नो। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना जारी रखिए, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में सहभागी होना बनाए रखिए। ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। एक एक पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं वो आप अपने नाम पर जमा कर रहे हैं, जैसा कि बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10000 रुपये, 20000 रुपये, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। एक समय आता है जब आपका खाता खुलेगा, आपको पता चलेगा कि अरे इतना हो गया है। हम विश्वासियों के सत्य को जानना चाहिए, एक एक पल जो आप प्रभु की खोज में बिताते हैं, प्रभु के राज की खोज में बिताते हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए बिताते हैं, प्रभु की आराधना में, प्रार्थना में बिताते हैं, वह आपके नाम पर लिखा जा रहा है। समय आने पर आपको उसका फल देखने को मिलेगा। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं इब्रानी अध्याय 4:16 में, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें वह कृपा प्राप्त हो और वो दया मिले जो हमारी आवश्यकता में सहायक बने। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी प्रार्थनाएं जारी रखें और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना बंद ना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, हमारे हृदय में शांति, मन में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम शांति कैसे पाएं। एक सुंदर वचन हमें बारूक के ग्रंथ की अध्याय 3:13 में मिलता है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते, क्योंकि ईश्वर का मार्ग शांति का मार्ग है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमारी समस्या यह है, इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य
आठ और नौ में प्रभु कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है, क्या लिखा हुआ है, प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हमारी समस्याओं का यह मूल कारण है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में मेल नहीं होता है। पहले था लेकिन आज नहीं, आज तुम्हारे विचार मेरे विचारों से भिन्न है। तुम अपने बुद्धि और अपने विचार के अनुसार जीवन जीते हो, मेरे विचारों को स्वीकार करने सुनने के लिए तत्पर नहीं हो। और प्रभु कहते हैं मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग बनाया है तुमने कोई दूसरा मार्ग अपनाया है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, जैसे आसमान आकाश पृथ्वी से ऊंचा है और दूर है, उतना दूर मेरे विचार तुम लोगों के विचार से और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से। यही हमारी समस्या है। इस्याज नबी के ग्रंथ की अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी मार्ग राह पकड़कर भटक गए। यही हमारी समस्या है, हम भटक गए। हमने प्रभु के मार्ग का तिरस्कार किया, हमने प्रभु के मार्ग को और उनके विचारों को छोड़ दिया, त्याग दिया। बाइबल में हमें बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलते हैं। योना नबी के बारे में आपने सुना है, आसूर के निनेवे नगर पाप से भर गया था और ईश्वर ने चाहा कि उसको नष्ट करें, लेकिन उससे पहले पश्चाताप करने के लिए एक मौका देना चाहता था। इसलिए ईश्वर ने योना नामक एक व्यक्ति से कहा कि जाओ निनेवे नगर में जाकर लोगों को पश्चाताप का वचन सुनाओ, लोगों से कहो कि पश्चाताप करो, आज से 40 दिन के बाद यह नगर दुश्मनों के हाथों दिया जाएगा। लेकिन योना प्रभु की बात को नहीं मानता है। प्रभु ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर वो चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। और योना ने क्या किया, योना ने उस पानी के जहाज में बैठ गया जो विपरीत दिशा में जा रहा था। पानी का जहाज निकल पड़ा। वचन में लिखा हुआ है ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा क्योंकि योना गलत मार्ग गलत दिशा में जा रहा था, विपरीत दिशा में जा रहा था। इतना भयानक तूफान कि नाविक जहाज को वश में नहीं कर पाए, लोगों के सारे सामान उठाकर पानी में फेंक दिया गया, तब भी शांत नहीं हो रहा था। तब नाविकों ने सोचा कि यह ईश्वर का प्रकोप हो सकता है, इसीलिए पता लगाने का प्रयास किया कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अंत में वे पहुंच जाते हैं योना के पास। योना तो सोया हुआ था। योना को जगाया गया, पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तुमने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण ईश्वर हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति भेजा है। योना ने सारी बातें बता दी कि मैं ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करके विपरीत दिशा में जा रहा हूं। लोगों ने योना को उठाकर, योना के आदेश पर उसको उठाकर पानी में फेंक दिया और पानी शांत हो गया। ईश्वर के मार्ग से भटक जाने से, एक व्यक्ति के भटक जाने से कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ। परिवार में एक व्यक्ति प्रभु के मार्ग से भटक जाता है, पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है, उसके लिए झेलना पड़ता है। एक और उदाहरण लीजिए, इसराइलियों का उदाहरण। इसराइली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा अपने आप को मानते थे,
लेकिन मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी और ईश्वर ने चाहा कि मूसा के नेतृत्व में उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाएं और अपने देश कनान देश में लेके आए, और ऐसा ही हुआ कि ईश्वर के महान कार्यों के द्वारा वे मिस्र की गुलामी से छूट तो गए, लेकिन वापस आते समय उन्होंने ईश्वर के मार्ग को त्याग दिया। छोटी छोटी बातों पर ईश्वर को कुड़ाने लगे, ईश्वर को परित्याग करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। आप जानिएगा, मिस्र देश से कनान देश की यात्रा में मात्र 3 सप्ताह या 4 सप्ताह ज्यादा सजा लगा सकते थे, लेकिन वे पहुंचे 40 साल के बाद। उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया, बीच बीच में ईश्वर के मार्ग को त्याग दिया, ईश्वर की बातों का पालन करने से इनकार किया, जिसके कारण जो लोग 4 सप्ताह में अपने प्रदेश में कनान देश पहुंच सकते थे, वे 40 साल मरुभूमि में भटकने के बाद कनान देश पहुंच गए। एक जबरदस्त उदाहरण है, जब हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं हमें कितना भटकना पड़ता है। इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48:18, प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 2 और 3 में, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, इसराइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे, जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। यदि तुम प्रभु के आदेशों का पालन करोगे, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 28 में लिखा हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में उसके वाक्य 2 से 7 तक ध्यान से पढ़िए। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या क्या वरदान है? नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, तुम्हारी टोकरी और आटा गूंधने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा, वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु कहते हैं, ये सारे वरदान तुम्हें साथ देते रहेंगे यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी को ध्यान से सुनोगे, उसका पालन करोगे। प्रभु का मार्ग शांति का मार्ग है। यरमेश नबी अध्याय 21 उसके वाक्य 8 में, यरमेश नबी अध्याय 21 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग दोनों रखता हूं, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुनो। हमारे सामने जीवन का मार्ग भी है, हमारे सामने मृत्यु का मार्ग भी है। प्रभु कहते हैं, तुम जीवन को चुनो। एक बहुत सुंदर वचन है, इसयास नबी अध्याय 30 वहां पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, यदि तुम सन्मार्ग से यानी प्रभु के मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो।
प्रभु चाहते हैं कि हम जीवन के मार्ग पर चलें, प्रभु चाहते हैं कि हम सन्मार्ग पर चलें, प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर के मार्ग पर चलें। अगर हम भटक जाते हैं तब भी एक विश्वासी, एक मसीह के जीवन में प्रभु कहते हैं पीछे से वाणी सुनाई देगी, यही सन्मार्ग है, इस पर चलते रहो, यही ईश्वर का मार्ग है, इस पर चलते रहो। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देगा और हमें सुनना है, फिर वापस आना है, फिर ईश्वर के मार्ग पर चलना है। स्तोत्र 101 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक है, जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक है, जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर का सेवक हो सकता है। ये कैसे होगा कि प्रभु एक मार्ग पर चले और शिष्य दूसरे मार्ग पर चले, ये तो संभव नहीं है, ये असंभव सी बात है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 13 और 14 में कहा है, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं सकरे द्वार से प्रवेश करो, सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं आज अधिकतर लोग उसी पर चलते हैं, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहां तक कि विश्वासी और मसीही भी सोचते हैं सभी लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। बेईमानी का मार्ग, भ्रष्टाचार का मार्ग, अशांति अन्याय का मार्ग, लूटपाट का मार्ग, अश्लीलता का मार्ग, इस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। धन की खोज का मार्ग, अन्याय का मार्ग, इस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। कई विश्वासी लोग सोचते हैं चलो सारी दुनिया जा रही है, हम भी पीछे चलते हैं। प्रभु कहते हैं वाक्य 14 में, किंतु सकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। सकरा है द्वार, संकीर्ण मार्ग, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग उसे पाते हैं। आप और मैं विश्वासी और मसीही होते हुए हमें सकरे द्वार से प्रवेश करना है और संकीर्ण मार्ग पर चलना है। कठिन है क्योंकि हमें देखा देखी करने की आदत है, सारा गांव उस तरफ जा रहा है मैं भी जाऊंगा, भीड़ भेड़ की आदत है, जहां भीड़ जाती हम भी चले जाते हैं, जहां फायदा करके लोग चले जाते हैं उसके पीछे हम भी चले जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम सकरे द्वार से प्रवेश करो, संकीर्ण मार्ग पर चलो, वो जीवन की ओर ले जाता है, चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है। सवाल यह होगा कि हम प्रभु के मार्ग को कैसे पहचाने। आप पूछेंगे स्वामी जी बताइए प्रभु के मार्ग को हम कैसे जाने पहचाने, हम भ्रमित हैं प्रभु के मार्ग को कैसे जाने पहचाने। इसयास नबी अध्याय 2 वाक्य 3, इसयास नबी अध्याय 2 वाक्य 3 में लिखा हुआ, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चलें, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चलें, प्रभु के मंदिर में चलें, जिससे वह हमें अपना मार्ग बताएं और हम उसके पथ पर चलना सीखें। हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें जिससे वह हमें अपना मार्ग बताएं। ये प्रभु का पर्वत क्या है? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सानिध्य। मूसा के लिए इसराइली जनता का नेतृत्व करना आसान बात नहीं थी, बहुत कठिन बात थी। एक ऐसी प्रजा, कठोर हृदय वाली प्रजा, बदलने वाली प्रजा, भटकने वाली प्रजा, पाप की प्रवृत्ति की ओर झुकी हुई प्रजा, उसका नेतृत्व करना मूसा के लिए आसान बात नहीं थी। मूसा क्या करते थे? पहाड़ पर चढ़ते थे,
एकांत में जाते थे, प्रभु के पास जाते थे पूछने के लिए, प्रभु बता मैं क्या करूं। और प्रभु अपने मार्ग मूसा को बताता था, प्रभु अपने मार्ग मूसा को बताते थे। प्रभु यीशु से सीखिए, प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाते थे, प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना के लिए जाते थे। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले उपवास और प्रार्थना में बिताया। 40 दिन और 40 रात एकांत में बिना खाए पिए ईश्वर का मार्ग सीख रहे थे, पिता का मार्ग सीख रहे थे। पूछ रहे थे, पिता अब्बा बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किनको अपने साथ लगाऊं, कौन सी भाषा बोलूं, कौन सा विषय बोलूं, तेरा संदेश क्या है, किससे बोलूं, कहां जाऊं, क्या करूं। ईश्वर का मार्ग जानने के लिए हमें ईश्वर के पास जाना होगा, समय बिताना होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों आश्रम में बहुत सारे परिवार आ रहे हैं, एक के बाद एक परिवार, एक के बाद एक परिवार, दो दो परिवार एक साथ आते रहते हैं। पूरा परिवार आता है, चार दिन पांच दिन सप्ताह भर प्रभु के सामने प्रार्थना में बिताकर चले जाते हैं। पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है कि जाओ, प्रभु के सानिध्य में बैठो, पहाड़ पर चढ़ो, प्रभु के मार्ग सीखो। अभी चार दिन पहले एक परिवार जो आया हुआ था बहुत दूर से वापस गया, और उन्होंने तय किया कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी समस्याओं का क्या कारण है, इसीलिए निदान के रूप में हम क्या करने वाले हैं, ये लोग तय करके चले गए। हमें प्रभु के मार्ग को सीखने के लिए प्रभु के पर्वत पर चढ़ने की आवश्यकता है, प्रभु के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। स्तोत्र 25 वाक्य 9 में वचन कहता है, प्रभु दीनों को अपना मार्ग सिखाता है, प्रभु दीनों को अपना मार्ग सिखाता है। जो प्रभु के सामने दीन बनकर आते हैं, मूसा इसराइली जनता का नेतृत्व देते समय अपने में दीनता महसूस करता है, दुर्बलता महसूस करता है, प्रभु के पास जाता है बच्चे की तरह। प्रभु अपना मार्ग बताते हैं, प्रभु दीनों को अपना मार्ग समझाते हैं। हमें भी प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें भी प्रभु के पास जाने की जरूरत है, प्रभु के मार्ग को जानने की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 5 उसके वाक्य 9 में, प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल, प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल, तेरे अपने मार्ग पर ले चल। मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं, मेरी समस्याओं का कारण, मेरे परिवार की समस्याओं का कारण यह है कि हम लोग भटक गए, हम लोग अपने अपने मार्ग पकड़ लिए। प्रभु यीशु ने कहा यौहन के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अगर भेड़े चरवाहे की आवाज को सुनना बंद करेंगी तो वे भटक जाएंगी, यही तो हमारी समस्या है। हम प्रभु की आवाज को सुनना बंद किए। कुछ लोगों की कारण यह है कि वे कभी प्रभु की आवाज को सुने ही नहीं है, पवित्र वचन को सुने ही नहीं है, प्रभु के संदेशों को सुने ही नहीं है। जब तक हम पवित्र वचन को नहीं सुनेंगे, प्रभु के संदेश को नहीं सुनेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि प्रभु का मार्ग कैसा होता है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनने लगते हैं, हमें पता चलने लगता, हाँ अच्छा अच्छा, वो जिस मार्ग से हम जा रहे थे वो गलत मार्ग है, ये तो प्रभु का मार्ग है, ये अच्छा मार्ग है, ये शांति का मार्ग है। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, यानी मेरा स्वर मेरा संदेश पहचानती है, मैं उनको जानता हूं
और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल, मेरे परिवार को अपने धर्म मार्ग पर ले चल। हम भटक गए, हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी राहें हैं, हमारी अपनी ख्वाहिश हैं, अपनी इच्छाएं आशाएं हैं, हम संसारिक बन गए हैं, संसार के मार्ग को अपनाए हैं, चौड़े मार्ग पर चल दिए हैं। हमें बचा, हमें तेरे मार्ग पर ले चल प्रभु, मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल। चलिए हम बड़े विश्वास के साथ स्तोत्र 23 को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाइए। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, 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 मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है, मेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, तेल का विलेपन करता, और मेरा प्याला, और मेरा प्याला लबालब भर देता है, लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई, इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से, और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ, मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक, मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा, प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें समझाया है, धन्यवाद दीजिए। हमारे समस्याओं का कारण बताया है, धन्यवाद दीजिए। हृदय खोलिए इस समय, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे धर्म मार्ग पर ले चल। मैं भटक गया हूं, हम भटक गए हैं, हम संसारिक बन गए, हम चौड़े मार्ग पर चल दिए, सब लोगों की तरह हम भी बन गए हैं। प्रभु हम पर दया कर, हमें तेरे मार्ग सिखा। तेरे पर्वत पर चढ़ने के लिए, तेरे सानिध्य में आने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि तू हमें अपना मार्ग सिखा सके, ताकि हमारी जिंदगी शांतिमय हो। तेरे वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु ईश्वर के मार्ग पर चले होते, सदा के लिए शांति का जीवन जीते। मैं और मेरा परिवार शांति चाहता है, तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले के एक भाई बहन को समय आशीर्वाद देना, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए कृपा देना, तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा देना, तेरे मार्ग को जानने के लिए कृपा देना, तेरे मार्ग पर चलने के लिए सामर्थ्य देना, साहस देना। इस संसार में तेरे मार्ग पर चलना बहुत कठिन है प्रभु, सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है प्रभु। साहस दीजिए, साहस दीजिए, धैर्य दीजिए, साहस दीजिए प्रभु, साहस दीजिए, धैर्य दीजिए। आराधना आराधना स्तुति, आराधना 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 स्तुति आराधना 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 आराधना।
की आराधना आराधना पिता प्रभु येसु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु येसु पावन आत्मा तेरी आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी आराधना तेरी आराधना मुक्ति दाता तेरी आराधना सृष्टि कर्ता तेरी आराधना मुक्ति दाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना हम अपनी आराधना को जारी रखें, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु पे लगाएं। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु आप और मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। हम प्रभु के दिव्य वचनों को सुन रहे थे, अभी स्वयं प्रभु की इस उपस्थिति में हैं।
प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, समय में आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति महसूस करें, अपने को एकाग्र करें, पूरे मन को प्रभु पर लगाएं। आज की इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में प्रभु को एक कार्य करने दें, प्रभु की आराधना में लग जाइए, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, तूने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, मैं अपने हृदय की गहराई से तेरी आराधना करता हूं प्रभु, मैं सच्चाई से तेरी आराधना करता हूं, मैं ईमानदारी से तेरी आराधना करता हूं, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ तेरी आराधना करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं तेरे योग्य नहीं हूं, मेरी तेरी उपस्थिति के योग्य नहीं हूं, तेरी आराधना के योग्य नहीं हूं, इसके बावजूद मैं बड़े साहस बटोर कर तेरे सानिध्य में आया हूं। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा गुरु है, तू जीवन का मार्ग है, तू ही सत्य जीवन है, मैं तेरी आराधना करता हूं, तुझसे अलग रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूं तूने स्वयं कहा है, मेरे जीवन में मैंने महसूस किया कि मैं तुझसे अलग रहने का प्रयास किया हूं बार बार, अनजाने या जाने तुझसे अलग हो गया हूं, आज मैं इस समय तेरे सामने आया हूं यीशु विश्वास के साथ, तेरी उपस्थिति में आया हूं यीशु विश्वास के साथ, मुझ पर दया करना, मैंने अपने कार्यों के द्वारा इतनी सारी अशांति बटोर ली है, मैं तेरे मार्ग से अलग चल रहा था और मैं अशांत होता जा रहा था, हे यीशु मैं तेरे सानिध्य में आया हूं, उस पर दया कर, मुझे तेरी उपस्थिति प्रदान कर, मैं तेरी आराधना हो तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना हो तेरी स्तुति हो, सारी पीड़ाओं के साथ, सारे दर्द के साथ, मेरी सारी दुर्बलताओं के साथ, मेरे घर के हर बोझ के साथ, सारी अशांति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, मेरे पीछे दोहराइए मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, 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 हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा रक्षक है, तूने मेरी रक्षा की है, तूने मेरी रक्षा की, मुझे संरक्षण दिया है, मेरा उद्धार किया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस समय तेरी आशीषें मेरी ओर बह रही है, हालेलुया, 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 आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी परिस्थितियों में, हालेलुया, 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 मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसने, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर, अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, कृपा दृष्टि की, क्योंकि उसने, क्योंकि उसने अपने दीन दास पर, अपने दीन दास पर कृपा दृष्टि की है, कृपा दृष्टि की है, आपसे सब पीढ़ियां, आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए,
मेरे लिए महान कार्य किए हैं, महान कार्य किए क्योंकि सर्वशक्तिमान ने, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं, महान कार्य किए पवित्र उसका नाम, पवित्र उसका पवित्र उसका नाम, पवित्र उसका नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने शक्तिशालियों को, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, उसके आसनों से गिरा दिया, और दीनों को महान बना दिया है, उसने दरिद्रों को, उसने दरिद्रों को संपन्न किया, संपन्न किया, और धनियों को, और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है, खाली हाथ लौटा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु महिमा में है, प्रभु पराक्रमी है, प्रभु आश्चर्यकारी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। महिमा 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 महिमा। प्रशंसा 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 प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन बिताते। ईश्वर का मार्ग शांति का मार्ग है। जिसने ईश्वर के मार्ग को अपनाया है उसने शांति को मार्ग को अपनाया है, क्योंकि ईश्वर का मार्ग शांति का मार्ग है। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, पुत्र
मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसने उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम्हें नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। प्रभु कहते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम्हें नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है, उसके मार्ग रमणीय हैं और उसके सभी पथ शांतिमय। प्रभु के मार्ग रमणीय हैं और उसके सभी पथ शांतिमय हैं। प्रभु का मार्ग शांतिमय है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 और 9 में लिखा हुआ है, वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों को अपथ सुरक्षित रखता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। बहुत सुंदर वचन है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु धर्म मार्ग पर पहरा देता है और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है, अपने भक्तों को सही मार्ग पर ले चलता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। तुम सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। हम प्रभु के मर्म को समझें। हम प्रभु के मार्ग के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हम सन्मार्ग पर चलने के लिए दिशा प्राप्त करेंगे। देखिए, इस संसार में बहुत सारी आवाजें हैं। आज पहले आज से कम थी, लेकिन आज बहुत सारी आवाजें। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। लेकिन आज ऐसी आवाजें, ऐसी मोहक आवाजें हैं कि हम भटक जाते हैं। 3 दिन पहले एक बहन बहुत दूर से, एक बहन या बेटी कहूं, बहुत दूर से फोन कर रही थी। वो इतनी ज्यादा दुखी थी कि वो फोन तक ढंग से कर नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा, तुम आ जाओ आश्रम में, लेकिन पहले तुम दुरुस्त हो जाओ। वो बीमार तक हो गई है, गलत मार्ग पर भटक गई थी। भटक गई थी, लोगों की आवाज को सुनी, बहुत मोहक आवाज थी। ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि उसने मुझे हर तरह से यूज किया, आज वो मुझे त्याग रहा है। और उस बेटी के अंदर बोलने तक की ताकत नहीं थी। संसार में हमें भटकाने वाली बहुत ज्यादा आवाजें हैं, अन्याय के मार्ग पर ले चलने वाली, बेईमानी के मार्ग पर ले चलने वाली, अश्लीलता के मार्ग पर ले चलने वाली, अनैतिकता के मार्ग पर ले चलने वाली, आतंकवाद के मार्ग पर ले चलने वाली, अशांति के मार्ग पर ले चलने वाली बहुत सारी आवाजें। आज मीडिया का प्रदूषण हो रहा है, मीडिया इतना ज्यादा प्रभाव कर रहा है। हर प्रकार की बातें आपको पढ़ने और देखने को मिलती हैं, और विशेष करके मेरे छोटे भाई बहन भ्रमित हो जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि सही मार्ग क्या है, उसके समझ में नहीं आता कि सही मार्ग क्या है। वचन में लिखा हुआ इसाया अध्याय 30 में कि जब तुम सन्मार्ग से दाएं बाएं भटक जाओगे तो तुम्हें पीछे से एक वाणी सुनाई देगी, यही सन्मार्ग है, इस पर चलो। हमें उस पीछे की से आवाज को सुनने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की आवश्यकता। वो बताएगा, बेटा ये सही नहीं है, ये सही मार्ग है। प्रभु का मार्ग हमें शांति प्रदान करेगा, लेकिन हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है।
सुनना काफी नहीं है, उस पर चलना है, कठिन है, लेकिन वो शांति का मार्ग है। अन्य मार्ग आसानी का मार्ग है, चौड़ा मार्ग, सभी लोग उसी पे चलते हैं, लेकिन वो शांति नहीं दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता है। हम प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तू मार्ग है, तू मार्ग है, जो तेरे पीछे चलता है, जो तेरे पीछे चलता है, वो मार्ग पर चलता है, जो मार्ग पर चलता है, मार्ग पर चलता है, मार्ग पर चलता, जो तेरे वचनों पर चलता है, जो तेरे वचनों पर चलता है, वो सन्मार्ग पर चलता है, सन्मार्ग पर चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचनों को सुनते हुए, तेरे वचनों को सुनते, तेरी आवाज को सुनते हुए, तेरी आवाज को सुनते, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए मुझे कृपा दीजिए, मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों की आवाज से बढ़कर, लोगों की आवाज से बढ़कर, संसार की आवाज से बढ़कर, संसार की आवाज से बढ़कर, तेरी आवाज को, तेरी आवाज, तेरे संदेश को, तेरे संदेश महत्व देने के लिए, महत्व देने के लिए मुझे कृपा दीजिए, मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। सन्मार्ग दिखाइए, हर प्रकार के बंधन से आजाद करके, हर तरह से आकर्षण से हमें आजाद करके, तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे शांति के पद पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। साज दीजिए, साज दीजिए, साज दीजिए। बुराई को त्यागने की शक्ति दीजिए, बेईमानी को त्यागने की शक्ति दीजिए, अश्लीलता को त्यागने की शक्ति दीजिए, गलत मार्ग को त्यागने की शक्ति दीजिए, विभिन्न प्रकार के नशे को त्यागने की शक्ति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र समय है, अब हम विशेष करके रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आध्यात्मिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से रोगी और शारीरिक रूप से रोगियों के लिए। कई लोग विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक रोग से पीड़ित हैं। कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं, दुष्ट आत्माओं के वश में हैं। उन्हें अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, रात को नींद नहीं आती है, परेशान करते हैं, वे बहुत बुरी अवस्था में हैं, अशुद्ध आत्मा के वश में हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तूने कहा, ईश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु यीशु, तू शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए संसार में आया। मेरे इन भाई बहनों में जिनमें शैतान बसा हुआ है, जिनको शैतान ने अपने वश में किया है, दुष्ट आत्माओं ने अपने वश में किया है। मार्कुस अध्याय 1 में जिस तरह हम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं ने अपने वश में कर रखा था, सैकड़ों दुष्ट आत्माओं ने अपने वश में कर रखा था। उसी तरह से बहुत सारे भाई बहन है प्रभु, दुष्ट आत्माओं के वश में हैं, वे उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन तू ही एकमात्र है जो उनको छुटकारा दिला सकता है। प्रभु यीशु, समय उन सबको तेरे सामने लाते हैं, उन सबको तेरे सामने लाते हैं, और उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, दुष्ट आत्माओं से, बुराई की आत्माओं से, हर तरह की दुष्ट आत्मा से, इसी वक्त इन वचनों को प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। फ्रीडम डिलीवरेंस, फ्रीडम डिलीवरेंस, 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 यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग कई प्रकार की बुरी आदतों के शिकार हैं,
नशे के शिकार हैं, अश्लीलता संबंधी बुरी आदतों के शिकार हैं, वासना संबंधी बुरी आदतों के शिकार हैं, चोरी करने की आदत के शिकार हैं, चुगली करने, बुराई बोलने, गंदगी बोलने की आदत के शिकार हैं, उनकी छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने उन बंधनों से आजाद करें, स्वतंत्र करें, प्रार्थना करें इस समय। हर प्रकार की उन बुरी आदतों से छुटकारा दें। हो सकता है कि आप ऐसे बुरी आदतों के शिकार हैं, प्रार्थना कीजिए इस समय। आपके परिवार में कोई है, प्रार्थना कीजिए इस समय। विश्वास और भरोसे के साथ दोनों हाथ खुला रखकर स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हुए समय प्रार्थना करना। हालेलुया 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 आजादी 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर आजादी 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 यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हर तरह की बुरी आदत से छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। शारीरिक रोग एक प्रकार का बंधन है। अलग अलग रोग से पीड़ित लोग इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कुछ लोग गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, उन भाई बहनों को प्रभु के सामने लाते हैं। कैंसर के रोग से डॉक्टरों ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। हृदय रोग से, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित एक एक रोग यीशु के सामने लाया जाए। कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। ऑन एवरी सिकनेस ही हैज अथॉरिटी। हर रोग पर यीशु को अधिकार है, हर रोग पर यीशु को अधिकार है। उस अधिकार के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम पर हर प्रकार के रोग इस समय छुटकारा मिले। हृदय खोलकर प्रार्थना करना, मुंह खोलकर प्रार्थना करना, हृदय खोलकर विश्वास करना। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर विभिन्न प्रकार के रोगों से, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले। यीशु के नाम पर छुटकारा मिले, यीशु के नाम पर छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा चंगाई, छुटकारा चंगाई, छुटकारा चंगाई, छुटकारा चंगाई, छुटकारा चंगाई, छुटकारा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, तूने कहा निरोगों के रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु, तू वैद्यों का वैद्य है। तेरे नाम पर इस समय हर तरह के रोग से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हृदय रोग से, कैंसर के रोग से, चमड़े के रोग से, हर तरह के रोग से, अंदरूनी रोगों से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर प्रार्थना कीजिए इस समय, शांत होकर प्रार्थना कीजिए। यीशु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। आपके शरीर के उन स्थानों को स्पर्श करने दीजिए जहां पर रोग है। यीशु आपके शरीर के उन स्थानों को स्पर्श करें, चंगाई दे। मौन होकर प्रार्थना कीजिए। आगे बोले, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको फिर एक बार सूचनाएं देना चाहता हूं। मातृधाम रेडियो आप प्ले स्टोर से उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेडियो के द्वारा कई लोगों को कई कृपाएं मिल रही हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ऑनलाइन कार्यक्रम जो होते हैं, सबसे पहले प्रतिदिन रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, 3 बजे करुणामाला लाइव,
शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्रताभिषेक प्रार्थना, हर रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग, इसके अलावा हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने साथ में, वे लोग इस समय आशीर्वाद के समय अपने हाथ में खोल कर उठाकर पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस जल को और इस तेल को शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। आइए हम पवित्र संस्कार की आशीष पाएं और जल और तेल को भी समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को, और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। इसके द्वारा, इसके द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, अदूतों से छुटकारा मिले, अदूतों से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम।